इस फिल्म के पात्र, घटनाएं तथा कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि हैं तो वो काल्पनिक है। नूर हक शम इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। Operation is successful. Patient is dead. Why? Hello? Wakil sahab, aapke muwakkil ko zindagi ki qaid se azad kar diya. Hello? Khanna. Us haramzade Rakab Singh ko maut ke ghaat utar diya. Tum? Thank you.
लक्ष्मी माँ, तुम्हारी सवारी तो उल्लू है और तुम अपने उल्लुओं से प्यार भी बहुत करती हो, फिर मेरे उल्लू बेटे को अकल क्यों नहीं देती? वो उल्लू का पट्टा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किताबों में घुसा रहता है। गधे की औलाद को अकल दो माँ। सेठ जी, आप अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? मुनीम, आज तेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। सेठ मंगताराम आज किसी को कुछ दे रहा है। वाह 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 सेठ जी, आप जैसा दानी मैंने आज तक देखा ही नहीं। नहीं देखा ना, तो इधर मत देख, चुपचाप हिसाब कर। मैं क्या कह रहा था माँ? आप कह रहे थे कि आप गधे के बाप हैं। हाँ, तो माँ मेरे बेटे की आंखें खोल, उसे काले काले अक्षर नहीं, गोरी गोरी लड़कियां दिखा, ताकि किसी रईस की बेटी को पटाए, बेटी के साथ साथ दहेज भी लाए और मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। सेठ जी, दहेज लेना अपराध है? मुझे लगता है तुझे कहीं और नौकरी मिल गई है। हाँ? मिल जाती तो यहाँ क्यों मरता? तो फिर ढूंढ ले, क्योंकि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, चल निकल। लेकिन सेठ जी, मेरी गलती। अभी क्या बोला तूने? दहेज लेना अपराध? मैंने कहा दहेज लेना अपराध नहीं है, नहीं है, नहीं है। डैड, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? कॉलेज। वहाँ क्या रखा है? अरे किसी प्रेम नगर में जा, प्रेम गली के चक्कर लगा, किसी प्रेम दीवानी से प्रेम कर प्यारे। ये आप क्या कहते रहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी भी समझ में नहीं आता था जब मैं तेरी उम्र का था, बाद में मुझे मेरे बाप ने समझाया और ये समझ गए। करेक्ट। हाँ। हा? देख, मुझे जल्दी से जल्दी बहू लाके दे, पैसे वाली। तो आपका मतलब है कि मैं पैसों के लिए किसी लड़की को धोखा दे दूं? अरे पैसे वाली हो तो उसके माँ बाप भाई बहन सबको धोखा दे देना। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हा? अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा तो फिर करो ना। आपको किसने मना किया है? मुनीम, गलती गलती हो गई, नादान हूँ। सूरज, सूरज। ओ भगवान, ए भगवान, मेरे बेटे को अक्कल दे। सेठ जी, मुझे लगता है ये आपका अपना बेटा नहीं है। इधर आ, आ गया। चाल है, चाल के साथ माल भी बहुत है यार। अरे जिसके घर जाएगी उसके तो चांदी हो जाएगी। मेरे घर आ गई तो मेरा बाप खुशी से पागल हो जाएगा। अरे तेरा बाप तो बाद में पागल होगा, ये तो सिर्फ मेरे ही घर आएगी। सटाक, पर किधर है? बोले किधर है? ए ए सेठ जी, कहाँ है ये? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, किधर है? सेठ जी, अरे मुझे भी तो बताओ, किस कुतिए ने आपको काट खाया है जो कुत्ते की तरह गोल गोल घूमकर अपनी पूछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, गजब हो गया। लेकिन इस उम्र में लड़की का क्या करोगे सेठ जी? मुनीम, तू भी कभी कभी मेरी मजाक कर लेता है। अरे मैं अपने बेटे सूरज के लिए रोशनी ढूंढ के लाया हूँ। सेठ जी, आप तो सटिया गए हैं। पूछो कैसे, कैसे? धनी राम जी, वो कैसे? हाँ, सूरज के साथ रोशनी सालों साल से रहती आ रही है, इसमें आपने कौन सा तीर मारा? मुनीम जी, जरा मेरे पास आइए। लो आ गया, आइए। आ गया। अब तू पूछ, ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? पूछ। आप मालिक हैं, बगैर बात के भी मार सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जब तक मालिक बात पूरी न कर ले, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? हाय डैड। लो, मेरा बेटा सूरज भी सही वक्त में आ गया। देख बेटे, कल 4 बजे तेरा कॉलेज छूटेगा। शकुंतला देवी की बेटी कार में, अपनी कार में घर के लिए रवाना होगी। सुनसान मोड़ पे आकर दो गुंडे उसका रास्ता रोकेंगे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे कि तू वहां पहुंचेगा और तुझे वो आता है, हाँ, ये करके तू उसको भगा देगा। फिर लड़की कहेगी,
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और फिर लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद भी हमारे घर में आ जाएगी। कैसी रे? कहाँ गए सूरज? वो तो आ जाएगा, लेकिन अपनी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ है सेठ जी। क्या गड़बड़ है? वो क्या है, किराए के गुंडों को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो मैं भूल ही गया था धनीराम जी। आप एक काम करो जी, कल मैं बिल्ला बन जाता हूँ, तुम रंगा बन जाओ। सुनिए सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान, अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है, हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ। ए, मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर रहा है। ऐसा है क्या? चल। ए, मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली, आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। मैं अपने ड्रामे का नायक आ गया। सबको वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। ओ मेरी फुलझड़ी। लालायत अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। उठो साला उठो, भाग क्यों रहे? आओ आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए, तू भी मार खा ले। पगार तुम लोगों ने मुझे मारा, इसलिए मारा। नहीं चट्टी कभी ला तू साला लंगा बुंगा। अगर आज आप वक्त पर ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। ओके। क्या बात है, टिंकू क्यों रो रहा है? मालकिन, टिंकू को चुन्नू भैया ने काट लिया है। क्या? तो इसमें चौंकने की क्या बात है? याद है जब आपके टिंकू ने मुझे काटा था? पूरे 14 इंजेक्शन लगवाए थे आपने मेरे पेट में, अभी तक निशान है, दिखाओ। हाँ हाँ बस चुन्नू, तुमसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। आखिर हूँ तो आप ही के भाई का बेटा। इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। शट अप। हे भगवान, कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? टाइम लगेगा, एंड आई एम नॉट इन अ हरी। मम्मी, अरे जानती हो मम्मी आज क्या हुआ? मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि दो गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। इतने में मिस्टर सिकंदर वहां पहुंच गए और गुंडों को मार मार कर भगा दिया। अरे आप वहां क्यों रुक गए, अंदर आइए ना। ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? पहले पूरी इंक्वायरी करूंगा, किस खानदान का है, किस खून का है, कौन सी नस्ल है। वैसे भी आजकल एड्स की बीमारी का बड़ा खतरा है। चुन्नू भैया वो मेरे दोस्त हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आज ही मिले और आज ही दोस्ती भी हो गई। मैं और तुम्हारी मम्मी 25 साल से एक ही घर में रह रहे हैं,
मगर आज तक तो दोस्ती नहीं हुई। चुन्नू ऊपर जा। ऊपर जाने की उम्र अभी मेरी नहीं हुई है, आप जाना चाहे तो जा सकती हैं। चुन्नू पागल लगता साला। वो चुन्नू भैया थोड़ा मेंटली। हाँ, को बात नहीं है। आप अंदर आइए ना। मम्मी ये है मिस्टर सिकंदर। नमस्ते जी। तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहा। आंटी मैंने तो इंसानियत के नाते। रामू जी मालकिन जल्दी से चाय बना कर लाओ जी, और दीनू से कहो बाहर बगीचे में पानी दे दे जी। वो तो सुबह ही अपने गांव चला गया। गांव चला गया तो काम कौन करेगा? मैं मालकिन, दीनू मुझे अपनी बदली में रख कर गया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी रघु। ठीक है। अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, वरना डैडी परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इकलौता हूँ ना, करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस। अच्छा नमस्ते। अच्छा लड़का है। क्या सोचा था, क्या हो गया, मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो के पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो इतनी पिटाई हुई फिर भी अकल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता है? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता? जूता? हा? जूता तो वही सड़क पे छूट गया है? क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुनि कैसा बन रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा, और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। तो पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूसे और खा लेता। मुनीम जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भुतरी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दूध मिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड नो, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। हाँ डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड? आपने बेटा नहीं पाप पैदा किया है। Choker!
मिस्टर रोमियो, वेरी वेल डन। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है, सुनसान सड़क, अकेली लड़की, चार पांच गुंडे, लड़की की इज्जत खतरे में। अब हीरो नहीं आएगा तो कब आएगा? बिल्कुल सही टाइम पे आए तुम, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है, दिल तो देना ही पड़ेगा, वरना लव स्टोरी कैसे शुरू होगी, राइट? जी। लड़कियां पटाने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया तरीका सोचो, समझे? आज मैं जवान हो गई हूँ, पानी डाल, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ऊपर डाल, मेरा जूता है जापानी। अरे बेटी तुम धनबाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल आप ही सूरज की डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनी राम, आओ ना अंदर, आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए, मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है, जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा, तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी ना दाने, कुछ भी बोल देता है। धनी राम, आओ ना अंदर, आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादा, धनी राम आज तूने पहली बार अकल की बात की है, चलो चलो चलो। आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो, अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ, बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज, सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है, वो पहाड़ की चोटी देख रही है। भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान, मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास, वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है, इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए, हाँ? बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है, कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खाके, ओह इश्क का शरबत पीके। आहा, हाय दैया। बेटी बेटी बेटी, काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन। अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। बेटी, सुबह में आना जरूर है, वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी, कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी राम नादान है, गलती कर रहा है।
रही हो। मम्मी मम्मी, वो सूरज है ना, सूरज, उसके सर पे चोट लग गई थी मम्मी, बहुत सा खून निकल गया उसका। क्या वो कुश्ती लड़ रहा था? हाँ चुन्नू भैया, कल की तरह आज भी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर क्या हुआ? मुझे बचाते बचाते उसे चोट आ गई और उसके जख्म पर तुमने अपना दुपट्टा बांध दिया। उस दुपट्टे को लाने के लिए तुम्हें दोबारा सूरज के घर जाने की जरूरत नहीं। हम भूल जाएंगे कि तुम घर देर से वापस आई थी, और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारा दुपट्टा कहीं रह गया है। जी जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आंटी, अरे मुन्नी अपना दुपट्टा ही तो भूलाई है ना, कोई हीरे का हार तो नहीं? औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्म पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्मों पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। डैड, लेटा रे, लेटा रे, लेटा रे बेटा, लेटा रे, लेटा रे। अरे 9 बज गए, मुझे तो कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज खुद चल के तेरे घर पे आ गया, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज घर आ गया? मैं कुछ? अरे वाह बेटा, तू तो खूब एक्टिंग कर लेता है, मैं तो इसे खामखा चूचू का मुरब्बा समझ रहा था। मुनीम जी, ये डैडी को क्या हो गया है, क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बक नहीं रहे, वो दीवाने हो गए हैं। तुमने वही करके दिखाया जो वो चाहते थे। मैंने मैंने क्या किया? अपने सर को तो छू। ओ समझा, आप उस मगरूर लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन लेकिन मुझे घर कौन लाया? अरे वो ही ले आई बेटा, वो ही ले आई, मगरूर से वो मजबूर हो गई। रात भर तेरी सेवा करती रही, कभी तेरे हाथ दबाए, कभी तेरे पैर दबाए। इतनी सेवा तो सीता जी ने भी राम जी की नहीं की होगी। मैंने उसको लाख समझाया कि बेटे घर जा घर जा, तो कहने लगी जिसने मेरी इज्जत बचाई हो क्या मैं उसकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती। इतने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। सुबह 5 बजे गई यहाँ से, 5 बजे। सेठ जी वो तो रात को ही चली गई थी। तू अपनी आंखें चेक करवा ले, दिन और रात में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ता क्या? समझ गया सेठ जी, समझ गया। क्या है, आपको अगर पैसे दिखाई पड़ जाए तो आप खुद तो अंधे हो ही जाते हो, दूसरे को भी अंधा बना देते हो। क्या नादान हूँ सेठ जी, गलती हो गई, नादान हूँ। इतने सुबह सुबह कौन आया? वही आई होगी, वही आई होगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये क्या मुजरा चल रहा है? जा दरवाजा खोल। नमस्ते मुनीम अंकल। जीती रहो बेटी, सूरज को होश आया? अरे बेटी ये होश भी कैसा, जिसमें आदमी बेहोशी जैसी बातें करे। तुम खुद ही जाकर देख लो, जा। जी। बाहर चलना, बच्चों के बीच में हमारा क्या काम है? समझ गए तो चलना, चलिए ना। घटा कहीं का। तुम क्या अभी भी नाराज हो मुझसे? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की, और उसकी जो चाहे सजा तुम मुझे दे सकते हो। सजा या इनाम देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए तो मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। क्यों, क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो? जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। सच? Thank you.
जमाने मन हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन ये मेरी आशिकी तेरी दीवानगी कर रहे ना रहे आ गले लग जा बेटे, आज
आज सूरज ढलने से पहले ही शुरू हो गए। मैं तो शुरू हो ही चुका हूँ। लीजिए आप भी शुरू हो जाइए, क्योंकि जिस दौलत के सूरज को आप अपनी तिजोरी में बंद करना चाहते थे वो किसी और के आंगन में उतर गया है। खन्ना कोई गन्ना नहीं जिसे चूस कर कोई भी उसका जूस पी जाए। बेटे अगर शराब पीने से मुसीबतें कम होती तो सारा हिंदुस्तान शराब में डूब जाता। तुम सिर्फ उस आदमी का नाम बताओ जो हमारे मंसूबों पर पानी फेरना चाहता है। सूरज। बाप का नाम? मंगताराम। ओहो, वो मक्खी चूस जो चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल कर चाय पी जाता है। हाँ वही। सिकंदर जश्न मनाओ क्योंकि कल सुबह मंगताराम के बेटे सूरज को हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे? सूरज का बाप ही अपने बेटे के अरमानों की चिता में खुद ही आग लगाए। मिस्टर खन्ना, दो मिनट की जान पहचान में आप हमारे इतने करीब नहीं आ गए हैं कि आप हमारे घर के अंदर झांकें। बात जब सड़क तक पहुंच जाती है तो घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा फर्ज था कि मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। अच्छा नमस्ते। ठहरिए, आपने जो इल्जाम मेरी बेटी पे लगाया है अगर वो झूठा निकला तो दोबारा इस हवेली की दहलीज पर कदम भी मत रखिएगा। अगर बात सच निकली तो इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम आपको अपना अच्छा दोस्त समझेंगे। सिर्फ दोस्त? दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल सकती है, क्यों शकुंतला देवी? हो सकता है। हाय मम्मी। हाय सिकंदर। आप लोग इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बात है मम्मी? कहां से आ रही हो? सूरज के घर से। कल से तुम सूरज से नहीं मिलोगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ये बात आप नहीं, आपके कुत्ते कह रहे हैं, और कुत्तों के भौंकने से मैं अपने इरादे नहीं बदलती। रोशनी, आपने जब घर की बातों में बाहर वालों को शामिल कर ही लिया है तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, दैट्स ऑल। रोशनी बेटी ने जब हमें कुत्ता बना ही दिया है तो अब हम कुत्ते की वफादारी भी दिखाएंगे। ये घर है कि मैदान है? अरे जमाल, आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। ये आवाज कहां से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। मैं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, अब मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ। बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ, रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल, फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनाओ, ये सब आपका है? मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना
और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो। क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। जंगीराम जी। जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे, या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूँ, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी चलना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। माँ, सूरज के डैडी क्यों आए थे? सूरज की गर्मी की कीमत वसूल करने। ये झूठ है, मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। लो पढ़ लो इसे। प्यार का व्यापार करना हम बाप बेटों का फैमिली बिजनेस है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है, ना करता हूँ और ना ही करूँगा। मुझे पैसों के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है सूरज। अरे पगली, पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। रोशनी मत रो बेटी, मत रो। नहीं बेटी रोशनी, ये तो अच्छा हुआ कि सूरज की असलियत का हमें पहले पता चला। कई बाद में पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ बाप बच्चों की जिंदगी बिगाड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए सिकंदर को चुना है। अब जो ठीक समझो कीजिए माँ, जो ठीक समझो। रोशनी पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। दूर भाग गई हो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं दूर भाग रही हूँ तुमसे सूरज, या
मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था कि तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी, लेकिन लेकिन तुमने जवाब क्या दिया था याद है? जान दे दूंगी लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। खूब जान दी तुमने। इसके पहले कि मैं जान दे दूं, तुम और तुम्हारा बाप तो मेरी जान ही निकाल लेंगे। क्या? लो, पढ़ो इसे। टिकट आ देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। मैं रोशनी के बिना? अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है, है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वो ही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है जो इतनी बड़ी मुर्गी पटाके ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए इसे, ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सुख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं है, कसाई है, कसाई जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। हमें? आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले, किसी ने नहीं बनाए। थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। वेलकम वेलकम। हाय डॉक्टर। हाय खन्ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारे बगैर तो ये महफिल सुनी सुनी लग रही थी यार। हाँ, तुम आ गए, बस अब बाहर आ जाएगी। खन्ना, तुम्हारी बहू का नाम बाहर है? साले कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन अभी तक चोच मारना नहीं भूला। खन्ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इस महफिल में कई कुवारियां हैं, ढूंढ ले कोई। अरे बेटे के साथ साथ तेरी भी सगाई करवा दूंगा। खन्ना, इसके हिस्से में कोई कुवारी नहीं, विधवा आएगी।
ये शादी तो कर ले, वो अपने आप विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो जगतपाल, कहीं ये अर्ध वही तो नहीं जिसके पति को हमने 18 साल पहले। दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया खन्ना, समझ गया। साले तूने भी दुश्मनी की लाश पर खूब दोस्ती का कफन पहनाया है। चल यार, कम ऑन, आई जगतपाल जी। बेटे मिलो अपने अंकल से। हेलो, कंग्रेचुलेशंस बेटे। बेटे, लड़की को अंगूठी पहनाओ। हेलो, खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता दो कि हम कौन हैं? ये हमारे सेठ जी हैं, जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, तुम हिलाते हुए ऐसे, और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी, और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारे सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगता राम से देता राम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी, और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले 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 शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है, आप जाइए और बारात को ले आइए। हाँ, अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज,
आशिक हम हैं वो दीवाने ऐ मेरी जाने वफा हम न होंगे जुदा रुके चाहे रुके जमाना चाहे रुके रुके चाहे खुदा खन्ना, अरे खन्ना यार मजा आ गया पार्टी में। उस लौंडे ने क्या गाना गाया, रोके चाहे रोके जमाना चाहे रोके मगर हम ना होंगे जुदा। है माथुर बनकर अपना भोपू, हम वैसे ही जख्म खाए बैठे हैं, क्यों और नमक छिड़क रहा है? देखो खन्ना, एक पुरानी कहावत है, आदमी जब धोबी से नहीं जीतता तो गधे के कान खींचता है। गधे हमेशा गधे की तरह बात करेंगे। तुम बे औलाद इंसान हो, औलाद का दर्द क्या होता है ये तुम क्या जानो? काश तुम्हारा कोई बेटा होता और उसने किसी लड़की से प्यार में धोखा खाया होता तब मैं। बीमारी गलत बताओगे तो कोई भी तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? खन्ना, तुम्हारा बेटा रोशनी से नहीं उसकी दौलत से प्यार करता है और रोशनी सूरज से प्यार करती है, लिहाजा करोड़ों की जायदाद जो खन्ना एंड सन के नाम होने वाली थी वो हाथ से निकल गई। यानी कि ट्रेन छूट गई और तुम बाप बेटे दोनों स्टेशन पर ही खड़े रह गए। करेक्ट। लेकिन मैं तुम दोनों को फिर से उसी ट्रेन में बिठा सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा राज है जिससे शकुंतला देवी अपनी बेटी को गोली तो मार देगी लेकिन उसकी शादी सूरज से हरगिज नहीं करेगी। सच डॉक्टर अंकल? जल्दी बताओ। बड़े लालची हो गए हो खन्ना, करोड़ों की जायदाद अकेले हड़प लेना चाहते हो। बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख। 50 लाख? 50 लाख।
कल 50 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ और करोड़पति बनकर चले जाओ। गुड लक। 50 लाख? क्या सोच रहे हैं डैड? सोच रहा हूँ किस तरह 50 लाख भी न दिए जाए और वो राज भी हाथ लग जाए। अविनाश, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे पागल कर देते हो। मैं भी तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूँ, इसलिए तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। आई लव यू अविनाश। कम ऑन। इस वक्त कौन आ सकता है? शायद खन्ना होगा, तुम जल्दी छुप जाओ। कम इन। आओ खन्ना, आओ। माथुर, जल्दी से वो राज बताओ ताकि। रिलैक्स खन्ना, रिलैक्स। जो गरम गरम खाते हैं उनका मुंह जल जाया करता है। राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, पहले ये बताओ मेरी फीस कहाँ है? इस बैग में। तो सुनो, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो इस बात के लिए तुम्हें 50 लाख दूं? ये बात तो कोई भी आसानी से पता कर सकता था। खन्ना, ज्यादा होशियारी मत करना। मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ जो लोगों का दर्द दूर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का दर्द बन जाऊं। तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ, मैं जान से मार भी सकता हूँ। मैं तुम्हारे बताए हुए राज की कीमत 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। गुड, लेकिन तुम मुझे उस राज की कीमत क्या दोगे जो मैं जानता हूं? किस राज की? इस राज की। माथुर, खन्ना कोई गन्ना नहीं जिसे कोई भी चूस कर उसका जूस पी जाए। बाय। अब क्या होगा? इसने अगर मेरे पति को बता दिया तो? तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी जुबान कैसे बंद करनी है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। कौन है भाई? मेरा नाम खन्ना है। हाँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा मंगताराम, क्योंकि तुम मुझे भले ही नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम्हारे बेटे ने दोबारा रोशनी से मिलने की कोशिश की तो रोशनी को सूरज की असलियत बता दूंगा। ये राज बताने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा खन्ना।
बिटिया दो दिन से कुछ भी नहीं खा रही है। रोशनी बेटी, तू कब तक इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहेगी? तू क्या समझती है, तुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है? तू जब मां बनेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि औलाद को मामूली सी भी चोट आ जाए तो मां का कलेजा फट जाता है। अब उठो ना रोशनी, उठो रोशनी, रोशनी, रोशनी। तुम? हाँ मैं। तो फिर रोशनी कहाँ है? रोशनी गई अपने पिया के घर। छोड़ो छोड़ो मेरा आंचल, शर्म की मारे
तुमने किया था? जी। लाश कहाँ है? आइए मेरे साथ। कोनो चीज को हाथ नहीं लगाना। का है साहेब? नहीं तो खूनी की उंगलियन के निशान मिट जाएंगे। हाय दैया, आप कहीं अंग्रेजन के जमानन के इंस्पेक्टर तो नहीं हो? चुप, ससुर का नाती। हम पूरा हिंदुस्तानी हूँ और अंग्रेजन का तलवा चाटने वाले से हमका सख्त नफरत है। नाम इंस्पेक्टर राम भजन सिंह है। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओ का कोनो जरूरत नहीं है क्योंकि ई लाइटर वो आप ही का है। लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंचा? ई तो हम भी नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं। अरे बाकेलाल का नाम है? ऊ का सतीश गन्ना, नहीं खन्ना। हाँ वही। लेकिन अब वो नीचे नहीं रहे हैं, ऊपर चले गए हैं। क्या खन्ना मर गया? उसे मार दिया गया है। और आपका ये लाइटर वा की लाश के पास मिला है। ए डॉक्टर साहब, काहे मार दिया उसे? बोलो, कोनो जल्दी नहीं है, जरा सोच समझ कर बताइएगा। बाकेलाल, तब तक इनके हाथ का हथकड़ी बनवा लो। ठीक है। जय हिंद। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। फोन क्यों किया? वो घर पे हैं। उन्हें पता चल गया तो जान मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे जान तो मेरी मुसीबत में पड़ गई है। क्यों, क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर को शक हो गया है कि खन्ना का खून मैंने ही किया है। इस वक्त फोन रख दो, मैं कोई बहाना करके शाम को तुमसे मिल आती हूँ। किसका फोन था? मेरी सहेली संगीता। संगीता? आप उसे नहीं जानते? वो बेचारी दो चार दिनों से बीमार है। सोच रही हूँ आज शाम उसे देखाऊं। जरूर देखाओ, कौन जाने किसकी आखिरी घड़ी कब आ जाए। लेकिन आप घर में अकेले बोर हो जाएंगे ना? मैं भी तुम्हें बताना भूल गया, मेरे कॉलेज का एक दोस्त ट्रांसफर होकर इस शहर में आया है, शाम को उसके पास जाना है। ओह, मैं रात को काफी देर से लौटूंगा, मेरा इंतजार मत करना। ओके डार्लिंग, बाय बाय। बेदर्दी, किसी तेज धार वाले औजार से काटा है दोनों को। बांकेलाल जी, तुम थोड़ा राइट भी है और रॉन्ग भी। वो कैसे? ई का है गोली। गोली? ई का मतलब है इन दोनों को काटा भी गया है और गोलियन से दागा भी गया है। समझे का बुड़बक? जी। साहेब आप मारे नहीं तो एक बात कहें? कहे सी कि हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। कहो।
हम तो थोड़ा राइट थोड़ा रांग थे, आप तो टोटली रांग हैं। बाके लाल। देखिए बुरा मत मानिए साहब, जब दाग दिया था तो काटा का है और काट दिया था तो दागा का है। इसलिए कि कातिल एक नहीं दुई है। तुम? हाँ जगतपाल, मैं। क्या कर रहे थे? पौधों को पानी दे रहा था। पानी दे रहे थे या खून के दाग छुपा रहे थे? जिनके हाथ खुद खून से रंगे हो वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाते। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। एक चोर दूसरे चोर पर चोरी का इल्जाम कभी नहीं लगा सकता। अरे चोर है तो क्या हुआ, धंधे का कुछ तो वसूल होता है। जानते हो इंस्पेक्टर तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, कालका सिंह और एडवोकेट जगतपाल शर्मा से, जो आज से 18 साल पहले सेठ मोहनलाल के कातिल रकाब सिंह को सजा सुनवा के इस शहर से गायब हो गए थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी वो फाइल को बंद कर दिया रहा, लेकिन 14 साल के बाद रकाब सिंह के रिहा होते ही उसे एक ट्रक से कुचलवा कर मरवा दिया गया। और यही नहीं, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को भी मरवा दिया रहा जिसने की रकाब सिंह को कुचला था। तो सरकार ने वो फाइल उठाए के हमरे हाथ में थमाई दी और हम यहाँ आए धमके। अब हम अपने पैर जमाए भी नहीं पाए थे कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर माथुर और मिस्टर खन्ना का टिकट कट गया। हमारा शक है कि ये खून खराबा सेठ मोहनलाल की उस दौलत के लिए हो रहा है जो तिजोरी में से गायब हुई थी। भैया खूनी तो तुम चारों में से ही कोई एक है, दुई तो ऊपर चले गए और दुई यहाँ नीचे हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से होशियार रहना। मजा आ गया मंगताराम, मजा आ गया जिंदगी में। साले मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने चले थे, दोनों के दोनों ऊपर चले गए। वो साला खन्ना, खन्ना साला बोलता था खन्ना कोई गंदा नहीं है जो चूस के पी जाए। ऐसे पी गया वो खन्ना के टकार भी नहीं ली। और वो साला डॉक्टर, साला दूसरे के बिस्तर पे सोता रहा और आया था मेरे घर में आग लगाने। साले की चीता को हाथ देने वाला भी कोई नहीं मिला। अरे साहब, सहर करनी है तो बाहर मैदान में चले जाइए ना, यहाँ काहे जूता खटकाए रहे हैं? हम सहर नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अरे सोचना है तो बैठ कर सोचिए ना, आपकी खटरपटर से हमारी नींद टूट जाती है। ए बुड़बक, तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या सोने? जोने दिन से आपने ड्यूटी ज्वाइन की है न वो खूनी को नींद आती है न आपको। वो मारे जा रहा है और हम मरे जा रहे हैं। ससुर का नाती। बुड़बक कहीं का भैंस की तरह सोवत है। अरे सुनो। जी साहब। शकुंतला देवी से कहो इंस्पेक्टर राम भजन सिंह उनसे मिलने आए हैं, जाओ। जी हुजूर। शकुंतला
इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये सेठ मोहनलाल जी का तस्वीर है ना? हाँ, लेकिन आप? पुलिस का नौकरी भी अजीब है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदत सी पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। कैसी कड़ी? आज से 18 साल पहले रकाब सिंह नाम का ड्राइवर अपने मालिक सेठ मोहनलाल के खून के इल्जाम में पकड़ा गया। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए मालिक से 500 रुपए मांगे। जब मालिक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने मालिक का खून कर दिया और उसे 14 साल की सजा हो गई। एक तो बात बताइए, जब आपके पति का खून हुआ तो आप कहाँ थी? अपने मायके में। रोशनी मेरे पेट में थी, इसलिए मैंने तो उस नमक हराम की शक्ल तक नहीं देखी। काश वो हत्यारा मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे जान से मार देती। मुझे अफसोस है कि आपकी ई ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 14 साल की सजा काटने के बाद जैसा ही रकाब सिंह जेल से बाहर निकला, उसे ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। क्या? जी हाँ शकुंतला देवी, 14 साल के बाद सेठ मोहनलाल के कत्ल की फाइल, जिस पर के वक्त की धूल जम चुकी थी, फिर से मुझे सौंप दी गई, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर जिसने के रकाब सिंह को अपने ट्रक से कुचला था, उसकी भी हत्या कर दी गई। चौंकिए मत, अपने पति को खोने के गम में आप ये भूल गई हैं कि जिस रात आपके पति का कत्ल हुआ था, उसी रात उनकी तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हुए थे। हाँ, लेकिन पुलिस ने कहा था कि वो जेवरात रकाब सिंह के पास से बरामद नहीं हुए। करेक्ट। अगर वो जेवरात रकाब सिंह से बरामद नहीं हुए तो जेवरात गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेवरात कत्ल की रात से पहले ही तिजोरी से निकाल लिए गए हो, और रकाब सिंह के जेल से छूटते ही ये खतरा पैदा हो गया हो? कहीं असलियत का पता तो नहीं चल जाएगा, इसीलिए रकाब सिंह को ही मरवा दिया गया हो? इंस्पेक्टर, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? मुझे लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक बात आपको बता देना, मैं अपना फर्ज समझता हूँ। डॉक्टर माथुर, मिस्टर खन्ना और मिसेस जगतपाल का कत्ल महज इत्तफाक नहीं है, ये कत्ल आपके पति के कत्ल से जुड़े हुए हैं। आप जरा होशियार रहिएगा। वैसे बाय द वे, आपके साथ और यहाँ कौन कौन रहता है? हाय बुआ जी, ये मेरे भाई का बेटा है चुन्नू। नमस्ते। नमस्ते। और मेरी बेटी रोशनी। आपकी बेटी दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ है वो? We'll be right back.
सुबह शाम आशिकी मेरा काम आशिकी सुबह शाम आशिकी मेरा काम आशिकी थोड़ा पागल मैं थोड़ा दीवाना हूँ शाम आशिकी मेरा काम
शाम आशिकी, मेरा काम आशिकी, थोड़ा पागल मैं थोड़ा दीवाना हूँ, मैं आशिक हूँ, आशिक हूँ, मैं आशिक हूँ, आशिक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेहतर होगा अगर ये सवाल तुम अपनी माँ से पूछती। माँ, माँ, नमस्ते जी। रोशनी, हमने तुम्हारी शादी सिकंदर के साथ तय कर दी है, लेकिन माँ मैं सूरज से तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ अपने फैसले बदला नहीं करती। तो फिर आप ही जान लीजिए, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, मैं भी अपने फैसले बदला नहीं करती। सूरज के बगैर जीने से अच्छा मैं अपनी जान दे देना बेहतर समझूंगी। हटो मेरे रास्ते से, हटो। तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी माँ का कहा नहीं माना तो हम उसकी जान लेंगे जिसमें तुम्हारी जान अटकी हुई है। अब्दुल, इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। शादी से पहले अगर तुम्हारी होने वाली मालकिन इस घर के दरवाजे से बाहर कदम रखें तो ये 6 की 6 गोलियां सूरज के सीने में उतार देना। हाँ तो मिसेस रोशनी सिकंदर खन्ना, अब अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये लोग रोक रहे हैं, हट, चल, बजटो, बजटो, जाइए, जाइए, आप जाइए। सिकंदर, बाजी जीत ली तुमने, तुम्हारे इन साथियों को लेकर जा और परसों बारात लेकर आ। थैंक यू, चलो। शकुंतला देवी ने हमारे घर पे ये रोशनी की शादी का कार्ड नहीं भेजा है, ये जंग का ऐलान किया है। अगर तेरी रगों में मेरा खून है बेटा तो जा, जाके उठा के ले आ उसकी बेटी को, बाद में मैं देख लूंगा, जा। कहीं दूर ले जाने के लिए आया हूं। सच सूरज? हाँ। जुन्नू, भून डालो इस हरामजादे को। जुन्नू सब हरामजादों को भून देगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। जुन्नू, अरे चुप कर बुढ़िया, दो रोटी के टुकड़े डालने से क्या सोच रही है, तूने मुझे खरीद लिया। मुन्नी, मेरी बहन, तू चली जा सूरज के साथ। अरे इस घर में तुझे पैसा तो बहुत मिलेगा मगर प्यार, प्यार सिर्फ तुझे सूरज के घर में मिलेगा। चली जा मेरी बहन, चली जा। स्पीकिंग। मैं शकुंतला देवी बोल रही हूँ। अरे कहिए, हम आपकी का सेवा कर सकते हैं? मेरी बेटी को एक बदमाश लड़का भगा कर ले गया है। कहा नाम है वो बदमाश का? सूरज। अरे ओ ममता राम का ननकुआ? हाँ वही। अरे नहीं नहीं, आपसे कोनो मिस्टिक हो गई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो इतना सीधा है कि खुद ही नहीं भाग सकता तो आपकी बिटिया को क्या भगाएगा।
हमको तो लगता है कि आपकी बिटिया ही उसे भगा कर ले गई है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो लड़का जेल में। अरे बुढ़ापे में काहे इतना जोर से चिल्ला रही हैं? धीरे बोलिए, सांस फूल जाएगा। शट अप। मैं झांसी की रानी, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वेंट हूँ, तुम्हारे घर का कुत्ता नहीं। तो नॉनसेंस। ए बाकेलाल, चल तो हमारे साथ, देखे हूँ ननकुआ क्या कर रहा है।
पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, मेरी जेब पर सेठ जी कुछ सेठ जी लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी, अबे हजार बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान है। ऐसा? हाँ। कैसे है आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, ये आज 15 अगस्त है जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं। सेठ जी, हुँ? आज 15 अगस्त नहीं है तो? आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। ए, खुसर बुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? पर उसके घर में होगी। लेकिन हुआ क्या है? तुमरे बिटुआ के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो शकुंतला देवी की नाबालिग बिटिया को लेकर फरार हुई गवाह है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से सूरज के साथ यहाँ आई हूँ। पर तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि मेरी माँ ने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से कर देना चाहती है। तो ई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अम्मा अम्मा नहीं ललिता पवार है। तुम एक काम करो गुड़िया, ई वक्त घर जाओ। जी। अरे भाग कर शादी बुझदिल करते हैं। प्यार करती हो ना तो शादी भी डंके की चोट पर ही होगी। कल हमारा ननकुआ तुम्हें लेने आएगा। अभी तुम जाओ जाओ गुड़िया। बेटा, लो बेटा, आज अगर सूरज की माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से इस जोड़े में चांद और सितारे लगा दी। ये लो देखो, कल इम्तहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बन के बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। फायदा नहीं बुआ जी, अभी भी वक्त है, शादी रोक दीजिए वरना तुम्हारी। चन्नू, अपनी नसीहत अपने पास रखो। रोशनी, अंधेरे में क्यों बैठी है? खुद ही रोशनी से उसकी रोशनी छीनकर उसे पूछ रही है कि अंधेरे में क्यों बैठी हो। यह
मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखकर जन्म दिया है, अपना दूध पिलाकर तुझे बड़ा किया है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि तेरी शादी का फैसला कर सकूं? आप हक नहीं मांग रही हैं, अपने दूध की कीमत वसूल कर रही है। हक या कीमत तुम जो भी समझो, बारात आने वाली है, तुम सुहाग का जोड़ा पहनकर नीचे आ जाना। सुहाग का जोड़ा या कफन? अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। कल इम्तिहान का दिन है, एक तरफ सिकंदर दूल्हा बनकर बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, कफन बन गया। मोहब्बत की लाज रह जाएगी। शिवे सर्वा साधके चरणे त्रिंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते ओम नमः शिवाय। हाँ जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। चुन्नू, रोशनी को लेकर आओ। ठहरिए। आंटी, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मेरे आदमी से 1 मिनट में ठिकाने लगा देंगे। सूरज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन रोशनी को साथ लेकर। शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जिंदगी प्यारी होती तो यहां मौत से खेलने नहीं आता। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना। वरना क्या करेंगी आप? आप मेरा सीना बारूद के एक धमाके से छल्ली कर देंगी? आपके ये कुत्ते मेरे जिस्म की बोटियां नोच खाएंगे, बस यही ना? मुझे मौत से ना डराइए, मैं सर पर कफन बांधकर ही यहाँ आया हूँ। मोहब्बत के दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी हार हुई है। जिसे आपने हार समझा था वो कामयाबी की तरफ मेरा पहला कदम था, और आज मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। बंदूक का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का नहीं, बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक, हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर फट, उसकी बाप के उम्र के हो चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ, तू गुड़िया को लेकर जा। राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरी
अब आप लोग उठिए और एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाइए। ठहरो। इससे पहले कि तुम अपने जीवन का सर्वनाश कर लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटी बेटी तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सांप की औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह मंगताराम का नहीं बल्कि खूनी रकाब सिंह का बेटा है। क्या वही रकाब सिंह जो मेरे पिताजी का कातिल था? हां बेटी, इसके बाप के डसने से तुम्हारी मां भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम यतीम बना दी गई। ये झूठ है, सूरज मेरा बेटा है। गोद लेने से खून नहीं बदल जाता मंगताराम, ये तुम्हारा नहीं बल्कि खूनी रकाब सिंह का खून है, जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने मालिक सेठ मोहनलाल का सीना चीर दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो यह अखबार इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिता सेठ मोहनलाल का कत्ल इसके बाप रकाब सिंह ने किया था। यह फाइल गौर से देखो, ये इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ही खूनी रकाब सिंह का बेटा है, जिसे इस मंगताराम ने गोद लिया था। सूरज ही तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा है। सूरज के बाप ने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना है। ये क्या तुम ये चाहती हो कि मरने के बाद ही तुम्हारे पिता की आत्मा तड़पती रहे, भटकती रहे, सिसकती रहे, कोसती रहे? ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छा था जिस खूनी ने अपने नाखूनों से तुम्हारी मां के माथे के सिंदूर को खुरच डाला। क्या उसी को तुम अपनी मां की छाती पर बिठा देना चाहती हो? बोलो बेटी, जवाब दो। क्या जवाब है मेरे सवालों का तुम्हारे पास? बोलो। जगतपाल, मैंने 14 साल से तिनका छोड़ के एक आशियाना बनाया था। तू हवा का झोंका बन के आया और सब कुछ बिखर के गया। कसम है मेरे बेटे की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो? जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी।
बदनाम सनम तू जहां भी जाएगी बेवफा कहलाएगी आजा मेरी जिंदगी करना मुझसे बेरुखी मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया सौ बार किया यार तेरी यादी है गुजर जाएगा आशिक तेरा मर जाएगा आज मुझे मालूम हुआ झूठी है तू दिलरुबा मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं याद किया एक बार नहीं सौ बार किया यार तेरी आती है जान मेरी जाती है यार तेरी आती है जान सच है कि तू रकाब सिंह का बेटा है लेकिन मालिक ने तुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार किया है अठारह साल पहले की बात है तुम्हारा बाप रकाब सिंह सेठ मोहनलाल के पास ड्राइवर था अचानक एक दिन तुम्हारी मां की तबीयत खराब हो गई दवाइयों के लिए रकाब सिंह के पास पैसे नहीं थे मौ से झुंझती तुम्हारी मां को छोड़कर अस्पताल से जो गया वो वापस कभी नहीं आया तुम्हारी मां ने भी दम तोड़ दिया तुम अपनी मां के पास बैठकर रो रहे थे तुम्हारी ये रोने की आवाज सेठ मंगताराम के कान में पड़ी जिसकी पत्नी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और डॉक्टर का कहना यह था कि इस सदमे से वो मर जाएगी उसने तुम्हें उठा लिया पर वाहरी किस्मत सेठ जी को बेटा तो मिला लेकिन पत्नी चल बसी दूसरी तरफ रकाब सिंह जो अपने मालिक से पैसे उधार मांगने गया था उस पर इल्जाम आया कि उसने सेठ जी की तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए और साथ ही साथ उनका खून भी कर दिया सिकंदर अब राजा बेटे की तरह इस पेपर पे साइन कर दो कि शकुंतला देवी की तमाम जायदाद जो शादी के बाद तुम्हें मिलने वाली है उसमें 50% का पार्टनर मैं भी हूं साइन तो मैं कर दूंगा अंकल मगर एक बात बताइए कि आप इतनी सारी दौलत किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना तो आपके आगे कोई है ना तो कोई पीछे यहां तक कि आपकी बीवी तक तुम
तुम्हारे पीछे कौन है सिकंदर? तुम भी तो अकेले हो, फिर तुम मेरे सामने तो सारी उम्र पड़ी है अंकल, पर आपका टिकट तो कभी भी कट सकता है। सिकंदर बेटे, तुम्हारे जगतपाल अंकल ने जिंदगी का बोझ कम और लाशों का बोझ ज्यादा उठाया है। एक बात और, शायद तुमने मेरी जीवन रेखा नहीं देखी, अच्छी तरह देख लो। मैं तुम्हारी लाश को कांधा देने के बाद ही मरूंगा। गुड बाय। गुड बाय अंकल, आज रात ही कुछ तुम्हारी जीवन रेखा को खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं, अब्दुल। तुमने जिंदगी में बहुत सारी तिजोरियां तोड़ी है, लेकिन इस हराम सादे की तिजोरी में मेरी जिंदगी कह रही है। आज रात को यह काम हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जगतपाल की जान क्यों ना लेना पड़े। ठीक है सरकार। जगतपाल, सिकंदर या? सिकंदर साहब, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ अब्दुल बोलो, काम हो गया? काम तो मुझसे पहले कोई और कर गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तिजोरी से पेपर गायब कर गया और वकील साहब का खून भी। किसने किया खून? एक ऐसा आदमी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसका नाम है क्या? हेलो हेलो अब्दुल, बोलते क्यों नहीं? हेलो,
मेरी दुनिया में आग लगा के तू चैन की नींद सो रहा है क्यों? उठ उठ हरामजादे, ताकत है तो फिर से बोल कि सूरज मेरा बेटा नहीं है। बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। मंगताराम, तुमने ही तिजोरी से काका चुराया है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं, खून करने आया था, जो मैंने कर दिया। आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा? तो मैं क्या करता? जगतपाल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर सका। शादी के मंडप से रोशनी उठ के चली गई, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा गया और मैं खड़ा का खड़ा देखता रह गया। मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे गए थे बेटे, तेरा दर्द मेरी छाती का बोझ बन गया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जब तक उसकी जान नहीं गई मैं चाकू चलाता ही रहा, और दोबारा किसी ने भी तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूं बेटे, लेकिन मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। बहुत छोटा सा था तब मैं तुझे लाया था, छाती से लगाकर पाला था मैंने तुझे। मां नहीं थी तेरी तो मैं खुद मां बनकर तुझे लोरी गाकर सुलाता था। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, वो वकील ने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं रोशनी ना मिलती तो क्या मैं मर जाता? जी लेता मैं, लेकिन आपको खोकर मैं नहीं जी पाऊंगा। तू रोता क्यों है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे फांसी लग जाए तो लग जाए, लेकिन भगवान से मेरी यही विनती रहेगी कि तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाए। लेकिन फांसी चढ़ने से पहले मैं एक बार शकुंतला देवी के दरवाजे पे जाऊंगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांगूंगा कि मेरी बहू को मेरे घर भेज दीजिए, मेरे बच्चे मेरे मुन्ने की जिंदगी मुझे भीख में दे दीजिए। सूरज के बाप के गुनाहों की सजा सूरज को मत दीजिए। मैं भीख मांगूंगा उनसे, मैं भीख मांगूंगा। तिजोरी तोड़े में तो स्पष्ट था। तुम एक काम करो। बोलो साहेब। टेलीफोन एक्सचेंज वाले से पता लगाओ कि ई फोन से लास्ट फोन कहां हुआ है। ठीक है।
ये खून नहीं किया? जानता हूं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, बरसों पहले मैंने खन्ना, जगतपाल और माथुर ने मिलकर एक होटल बनाने का ख्वाब देखा था। वो तीनों तो अब रहे नहीं, इसीलिए खन्ना के बेटे को अपने होटल की ओपनिंग के लिए इनवाइट करने आया था। आई सी। मिस्टर कालका सिंह, एक बात मैं आपको बता दूं, कातिल का अगला निशाना आप ही हैं। जरा होशियार रहिएगा। क्या वाकई पिताजी ने वकील साहब का खून किया है? ना तो तुम्हारा बाप रकाब सिंह खूनी है और ना ही सेठ मंगताराम। एडवोकेट जगतपाल का खून मंगताराम ने ना ही किया है। कातिल बड़ी चतुराई से खून करके निकल गया और फंस गया सेठ मंगताराम। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेठ मोहनलाल का खून तुम्हारे बाप रकाब सिंह ने ना ही किया है। सूरज, शायद तुम भी प्यार का बंधन तोड़ने आई हो एक खूनी के बेटे से। बस सूरज, बस, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि असली कातिल पकड़ा जाए तो तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा। Thank you.
अखियन को आग लगे। इन्हें एक घंटे में होश आ जाएगा। थैंक यू, गुड लक। कालका सिंह के होश में आते ही कातिलवा हमारी मुट्ठी में होगा। ये तो चाकू का जख्म है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती, पहले पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
भी खूनी रकाब सिंह है। रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरा भी खून, शायद अपने बेटे के खून से आपकी प्यास बुझ जाए। एक खूनी का बेटा बनकर जीने से तो मौत अच्छी है। मैं खूनी था नहीं, मुझे खूनी बनाया गया। एक भोले भाले इंसान के जिस्म में जहर चुबो चुबो कर उसे दरिंदा बनाया गया। आज भी वो रात याद है जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हारी मां के पास छोड़कर गया था इसी अस्पताल में। ये दवाइयां ले आओ। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से दवाई लेकर आता हूं। जल्दी ले आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। बेटे, अपनी मां का ध्यान रखना, मैं भी आया। लो देखो, तुम चारों के काले कारनामे और विश्वासघात का सबूत देखो। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवाता हूं। रामजादों ने सेठ मोहनलाल के खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया और अंधी अदालत ने मुझे 14 साल की सजा सुना दी। 14 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो उन हरामजादों ने फिर से मुझे ट्रक से कुचलवा कर मारने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गए। और सबसे पहले तुमने उस ट्रक ड्राइवर का खून कर डाला। फिर तुम अपने दुश्मनों की तलाश में हियां चले आए। रकाब सिंह, एक ही बात हमारी समझ में नहीं आई। खनुआ का कत्ल तो तुमने किया, लेकिन वो डॉक्टर वहां का लाइटर वहां कैसे पहुंच गया? मैंने ही कत्ल करने के बाद वो लाइटर वहां गिरा दिया था। जगतपाल की जोरू ने तुम्हारा का बिगाड़ा था, उसका कत्ल तुमने काहे किया? मैं डॉक्टर का कत्ल करके वहां से जा ही रहा था कि अचानक जगतपाल की बीवी डॉक्टर से मिलने वहां आ पहुंची और उसने मुझे देख लिया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। मैं वहां से निकल ही रहा था कि वकील जगतपाल वहां आ पहुंचा। मैंने फौरन लाइट ऑफ कर दी और बाथरूम में छुप गया। पुलिस के साथ साथ जगतपाल भी यही समझता रहा कि खून उसने ही किया है, और पहला मौका मिलते ही मैंने उसका भी सफाया कर दिया। सिकंदरवा से तो तुम रिकॉन हो दुश्मनी ना ही रही, फिर उसका खून काहे किया? कुत्ते की औलाद कुत्ता ही होता है। उसके बाप ने मेरी जिंदगी तबाह की थी और बेटा मेरे सूरज की जिंदगी तबाह कर रहा था, इसलिए मैंने उसका भी खून कर दिया। मेरा आखिरी शिकार था कालका सिंह। अगर तुमने मेरे बेटे को कालका सिंह की जगह ना लिटा दिया होता तो उसका आज खेल खत्म हो जाता। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया रकाब सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, जब तक कालका सिंह को मैं मौत के घाट ना उतार दूं, मेरा खेल खत्म नहीं होगा। कालका सिंह, रुक जाओ।
अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। काम आशिकी मेरा काम आशिकी।